तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट ब्रश की। तो हमारा नेक्स्ट ब्रश है डियर फुट ब्रश। डियर फुट ब्रश अपने आप में ही बहुत ही यूनिक ब्रश है। इसे हम डियर फुट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली डियर के फुट की शेप में कटा हुआ है। मल्टीटास्किंग है, बहुत सारी चीज़ें आप इस ब्रश को कर सकते हो। वन ऑफ माय फेवरेट ब्रश, चाहे आपको इसे फ्लावर्स बनाने हो, बुशेस बनाने हो, ट्रीज बनाने हो, कहीं पे कलर फिल करना हो, सिमेट्रिकल स्ट्रोक्स चाहिए, ये सब कुछ आपको मिलेगा डियर फुट ब्रश में। यू कैन सी कितनी परफेक्ट लाइन, जिस एज से, जिस राउंडिटी के साथ शुरू हुई है लाइन, एग्जैक्ट उसी राउंडिटी के साथ लाइन खत्म भी हुई है। तो ये ब्यूटी है डियर फुट ब्रश की। मल्टीपल टोन्स में आप काम कीजिए, मल्टीपल कलर्स यूज कीजिए, जितने भी आपने शेड कार्ड में चूज करे हैं। पर जो स्ट्रोक्स हैं, जो मैं आपको स्ट्रोक्स सिखाना चाहती हूँ, उन सारी स्ट्रोक्स को आपने प्रॉपरली समझने हैं, क्योंकि ये सारी की सारी स्ट्रोक्स अल्टीमेटली आपके आने वाले पेंटिंग्स में, आपके आने वाले आर्टवर्क्स में जरूर काम आएंगी। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल ब्लूज में काम कर रही हूँ, वही डार्क टू लाइट टोन्स में, जो मैं ग्रेडेशन आपको हमेशा से सिखाती आई हूँ। यहाँ पे मल्टीपल टोन्स कलर इसलिए भी ले रही हूँ ताकि आप काम करते हुए बिल्कुल भी बोर ना हो, आपको लगे कि आप मल्टीपल कलर्स में काम कर रहे हो और आपको मजा आना चाहिए काम करते। और जितना ज्यादा अपने काम को एंजॉय करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका काम ब्यूटीफुल लगेगा। यू नो, एक आर्टिस्ट का जो मूड है, करंट मूड, वो उनके काम में ज़रूर आता है। तो आपको फ्रेश एनर्जेटिक फील करना है काम करते हुए, आपको लगे कि आप थक गए हो, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली रेस्ट लो और उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करो। तो जिस मास्टर स्ट्रोक की मैं बात कर रही थी, जो आप डियर फुट ब्रश के साथ ला सकते हो, कर सकते हो, तो वो ये है मल्टीपल डैबिंग। बिल्कुल इस तरह से, चाहे आप इससे बुशेस बनाओ, जितना ज़्यादा आप प्रेशराइज करोगे, डियर फुट ब्रश को शीट के ऊपर, उतनी ज़्यादा बोल्ड आपको पैचेस नज़र आएंगे, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट पैचेस। और जितना ज़्यादा आप कम प्रेशराइज करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको हेजी पैचेस नज़र आएंगे। तो आपको कितने ज़्यादा डेंस चाहिए, कितने ज़्यादा आपको हेजी चाहिए, ये आपके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ, डियर फुट ब्रश के साथ हम फ्लावर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मल्टीटास्किंग ब्रश है, बुशेस बनाने हो,
स्ट्रेट लाइन चाहिए हो, फिर चाहे फ्लैश क्यों ना बनाने हो, ये ब्रश हमेशा आपके काम आएगा। पर्सनली आई रिकमेंड कि आप जब भी आपको ब्रशेस खरीदने हैं, आपकी आर्ट किट में हमेशा डियरफुट ब्रश होना बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर इसके साथ काम करते हुए ना ये ब्रश आपका भी फेवरेट बनने वाला है। तो आपने देखा कितने ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हमने बनाए, बहुत ही स्मूथली काम करता है। जैसे आप देख रहे हो वेव्स कितनी स्मूथली से बन गई हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सको इस ब्रश को, उतना ज़्यादा आप करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी लिमिटेशन यही सिर्फ स्ट्रोक्स हैं, खुद की स्ट्रोक्स भी आपको क्रिएट करनी है, इन्वेंट करनी है। एंड आई एम श्योर आप लोग करेंगे भी। कुछ डायगनल स्ट्रोक्स, जिससे आपको पता लगे कि जो ब्रश है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, किस तरह से काम करता है, कितना पेंट एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर। तो ये थी ब्यूटीफुल सी स्ट्रोक्स। अब इन सारी स्ट्रोक्स की हेल्प के साथ हम चलते हैं अपने ब्यूटीफुल से आउटपुट की तरफ।